हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई पाठ्या के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही यूनिक है। हम बात करने जाएंगे कि गुजराल डॉक्ट्रिन है क्या। आप में से कई लोग जानना चाहते थे कि गुजराल डॉक्ट्रिन होता क्या है, ये किसके बारे में बात करता है। तो आप पिक्चर देख सकते हैं, ये आई के गुजराल जी हैं। हम इनके बारे में आगे के स्लाइड्स में बात करेंगे। देखिए, दरअसल आई के गुजराल जी जो थे वो फॉरेन मिनिस्टर थे देवेगौड़ा साहब की गवर्नमेंट में। तो वो फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने ऐसा एक फॉरेन पॉलिसी बनाया हुआ था। चंद ऐसे डॉक्ट्रिन, चंद ऐसे प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए हुए थे जो एक माइलस्टोन माना जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड अ माइलस्टोन इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। 1947 से लेकर अब तक भी, यानी कि 2020 तक जब हम बात करते हैं, गुजराल डॉक्ट्रिन को क्राउन ज्वेल माना जाता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का। भाई ऐसा क्या उन्होंने कहा, किस लिए उन्होंने कहा, हम इसके बारे में विश्लेषण करेंगे। इट वॉज प्रोपाउंडेड एंड इनिशिएटेड इन 1996 बाई आई के गुजराल, द देन फॉरेन मिनिस्टर इन द देवेगौड़ा गवर्नमेंट। वहाँ पर देवेगौड़ा साहब की गवर्नमेंट थी तो उनके सरकार में जो है आई के गुजराल साहब फॉरेन मिनिस्टर थे। द डॉक्ट्रिन एडवोकेट्स दैट इंडिया बींग द बिगेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया शुड एक्सटेंड द यूनिलैटरल कंसेशंस टू द स्मॉलर नेबर्स। देखिए, 1996 तक जाहिर सी बात है कि इंडिया दरअसल 91 तक एक क्लोज्ड इकोनॉमी था। इसके बाद जो है एक ओपन इकोनॉमी बन गया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का एक एरा जो है वहाँ से शुरू होता है। लेकिन इंडिया का एक बहुत ही अलग माइंडसेट था, वो रेसिप्रोसिटी को देखता था। यानी कि अगर मैं किसी दूसरे कंट्री को कोई बेनिफिट दे रहा हूँ, उन्हें ग्रांट्स वगैरह दे रहा हूँ, वहाँ पर कोई ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहा हूँ, तो रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा, इसे डॉक्ट्रिन ऑफ रेसिप्रोसिटी कहते हैं। तो गुजराल साहब ने यह कहा कि इंडिया को इस रेसिप्रोसिटी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कंट्री जो है अफोर्ड नहीं कर सकता रेसिप्रोसिटी। देखिए, जाहिर सी बात है कि साउथ एशिया में खासकर इंडिया जो है वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री है अपार्ट फ्रॉम चाइना। तो बाकी के जितने छोटे छोटे कंट्रीज हैं, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, ये इंडिया को क्या रेसिप्रोकेट करेंगे, ये रिवर्स में इंडिया को क्या देंगे अगर इंडिया इन्हें एड देता है, ग्रांट्स इन एड देता है या फिर ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह देता है या फिर वहाँ पर किसी तरीके के कंसेशंस देता है, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये जितने भी छोटे छोटे स्टेट्स हैं जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़रूरत है। चाइना और पाकिस्तान जैसे एडवर्स पावर्स को कंट्रोल करने के लिए, उनके अपोज खड़े होने के लिए इन छोटे छोटे कंट्रीज़ का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। तो आई के गुजराल साहब ने इसी माइनर डिटेलिंग को पकड़ा हुआ था और उन्होंने यही कहा कि हर चीज़ में रेसिप्रोसिटी मत देखिएगा, यूनिलैटरल कंसेशंस दी दीजिएगा। यानी कि एक बड़े भाई की तरह, एक बड़े बहन की तरह आप उनकी मदद कीजिएगा। इट रिकग्नाइजेज द सुप्रीम इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडली एंड कॉर्डियल रिलेशंस विद इंडियाज नेबर्स। अभी जैसे कि मैंने कहा कि भले ही छोटे हो सकते हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, लेकिन इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, सॉवरनिटी के लिए बहुत ही क्रूशियल है। विद नेबर्स लाइक बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स एक्सेट्रा, इंडिया शुड नॉट आस्क फॉर रेसिप्रोसिटी, के मैं दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये सवाल मत पूछिएगा। नो साउथ एशियन कंट्री शुड अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अनदर कंट्री ऑफ द रीजन। महज इंटरेस्ट फ्री लोन देकर या फिर कोई ग्रांट देकर या फिर कोई यूनिलैटरल कंसेशन देकर बात खत्म नहीं होती। यहाँ पर इनडायरेक्टली भी हमें रेसिप्रोसिटी मिलेगी। कैसे, जो है साउथ एशियन का जो भी कंट्री जो है इस तरीके के एड वगैरह लेगा, वो अपनी टेरिटरी को हमारे कंट्री के इंटरेस्ट के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देगा। मान लेते हैं कि बांग्लादेश या फिर श्रीलंका को यूनिलैटरल कंसेशंस इंडिया ने दिए हुए हैं, ट्रेड कंसेशंस दिए हुए हैं, यानी कि वहाँ पर उन्हें कोई ना कोई मॉनेटरी बेनिफिट दिया जा रहा है, तो रिटर्न में जो है हम उनसे मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मांग रहे हैं। लेकिन एडवर्स जो कंट्रीज हैं जैसे कि चाइना और पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश, चाइना या पाकिस्तान की मदद नहीं करेंगे इंडिया के खिलाफ काम करने के लिए। तो देखिए कितना एक बहुत ही जीनियस तरीका है जो गुजराल साहब ने फाइंड आउट किया हुआ है, जो उन्होंने दिया हुआ है। नो कंट्री शुड इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ अनदर कंट्री। भले जितना भी बड़ा, जितना भी छोटा कंट्री क्यों ना हो, उनके डोमेस्टिक पॉलिसीज में, उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की कोशिश ना करें। ऑल साउथ एशियन कंट्रीज शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरनिटी। जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होती है, बाउंड्रीज वगैरह, वहाँ पर एनक्रोचमेंट वगैरह करना नहीं चाहिए, म्यूचुअली रिस्पेक्ट करके रहना चाहिए। ऑल साउथ एशियन कंट्रीज शुड सेटल ऑल देयर डिस्प्यूट्स थ्रू पीसफुल बायलैटरल नेगोशिएशंस। वॉर वगैरह की बात आप ना उठाएं, डिप्लोमेटिक तरीके इस्तेमाल करें, उसी तरीके से हम एम्बलिकली अपने डिस्प्यूट्स को जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। द लॉजिक बिहाइंड गुजराल डॉक्ट्रिन वॉज टू टैकल पाकिस्तान एंड चाइना। बहुत ही जीनियस एक तरीका था जिससे कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान और चाइना के अग्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, कई एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है। मेंस वगैरह जब आप डिस्क्रिप्टिव आंसर्स भी लिखते हैं तो गुजराल डॉक्ट्रिन कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि दरअसल इसे इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का वन ऑफ द क्राउन ज्वेल कहा जाता है। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी गुजराल डॉक्ट्रिन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई पाठ्या।